अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ चिकन पढ़ी और देखा कि कैसे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिकन के ऊपर, मीट के ऊपर जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, अटैक करते हैं और फूड पॉइजनिंग और इस तरह की डिफरेंट डिजीज काज कर सकते हैं, जिनको हम फूड बोन डिजीज कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैसब इन चिकन प्रोसेसिंग प्लांट। आप लोगों ने बहुत सी जगह पर ये वर्ड हैसब सुना होगा। हैसब या HACCP बेसिकली ये एब्रीवेशन है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। हैसब एक ऐसा सिस्टम है जो फूड सेफ्टी इंश्योर करता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हैसब किस तरीके से डेवलप किया गया और इसका क्या बेनिफिट्स है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट में या चिकन प्रोसेसिंग प्लांट में। इसका सेकंड पार्ट वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से आप एक हैसब डेवलप करते हैं, ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स और ये सारा जो भी इसका प्रोसीजर है वो नेक्स्ट क्लास में फिर हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर वर्किंग करेंगे कि ये हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हैसब को जब हम डिफाइन करने की बात करते हैं तो इसको हम एक जनरलाइज इसकी डेफिनेशन हम एक सिंपल सी इस तरह कह लेते हैं कि हैसब रिप्रेजेंट्स अ साइंटिफिक प्रिवेंटिव अप्रोच टू कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद फूड प्रोडक्शन। कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जो फूड प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड जो हैजर्ड्स है उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें आपने उन हैजर्ड्स को कंट्रोल करना है और कंट्रोल इस तरीके से करना है कि उन सब स्टेप्स को आपने मॉनिटर करना है जहां से हैजर्ड्स पॉसिबली आ सकते हैं, तो इसको हम हैसब कहते हैं। हैजर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो यूजली हमारे जो सिस्टम है या फूड चेन में तीन तरह के हैजर्ड्स होते हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड और केमिकल हैजर्ड्स। अब ये तीन हैजर्ड है जो डिफरेंट वे से फूड सिस्टम को या फूड चेन को, मीट को आप कह लें, अफेक्ट करते हैं। अब जो हैसब है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हमने इन तीन जो हैजर्ड्स है इन तीन हैजर्ड्स को मॉनिटर करना है, इन तीन हैजर्ड्स की मॉनिटरिंग करनी है, चेकिंग करनी है और कंट्रोल करना है। तो उसमें क्या होता है कि हमने इन तीन चीजों को कंट्रोल करना है रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट्स तक, और इस सारी जो मॉनिटरिंग है वो हम करेंगे थ्रू हैसब। हैसब अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम है तो वो क्या करेगा कि रॉ मटेरियल से जो ये बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल हैजर्ड्स आने हैं वो उनको कंट्रोल करेगा, वो उसको सिस्टम में नहीं आने देगा और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स होगी या जो डिलीवरी हम करेंगे उन प्रोडक्ट्स के अंदर ये हैजर्ड्स नहीं होंगे। तो हैसब जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ये प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट लेवल पे कंटिन्यू ना करे। अब एक ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम हैसब की देखें कि हैसब डेवलप कैसे हुआ, तो बेसिकली एक कंपनी थी जी, पिल्सबरी कंपनी, जिसने बेसिकली इसका कंसेप्ट दिया और ये डेवलप किया। नैटिक रिसर्च लेबॉरटरीज और नासा के साथ मिलके इन्होंने ये 1950s में ये वर्किंग स्टार्ट की, और वर्किंग स्टार्ट करने का पर्पस ये था, इस सारी एक्सरसाइज का पर्पस ये था कि वो जो एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने स्पेस में जाना है उनके लिए सेफ फूड डेवलप की जाए। सेफ फूड डेवलप करने का, क्योंकि अगर आप स्पेस में उनको कोई बीमारी हो जाए या फूड बोर्न इलनेस हो जाए तो उनके लिए वहां पे उसकी रिकवरी या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ नासा ने और ये पिल्सबरी कंपनी ने वर्किंग स्टार्ट की कि किसी तरीके से हमने इस चीज को कंट्रोल करने के, हम जो भी फूड बनाए वो कम्प्लीटली सेफ हो, उसमें किसी भी किस्म का माइक्रोबियल हैजर्ड ना हो। तो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की गई और वो जब वर्किंग डेवलप की हुई कंपनी ने इसके ऊपर वर्किंग की सारी, तो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए उस कंपनी ने। अभी हम आगे इसके हैसब के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे
तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल में जो प्रिंसिपल नंबर 1, 2 और 4 है वो बेसिकली जो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स बने थे 1971 में वो बने हैं। और 1971 में पिल्सबरी कंपनी ने ये कंसेप्ट जो था हेसप का, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड प्रोडक्शन में ये कंसेप्ट दिया कि ये जितने भी फूड प्रोडक्शन चेन है वहां पे हेसप इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसके बाद 1974 में जो FDA है उसने अलाउ किया कि आप लो एसिड एंड एसिडिफाइड फूड जो है उसके अंदर हैसब को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनकी बेसिकली लो एसिड या एसिडिफाइड फूड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मेनली कैंड प्रोडक्ट्स आती हैं कि जो आप कैनिंग करते हैं तो कैनिंग जो उसमें सोल्यूशन होता है, तो ये उस जमाने में यहाँ इस कैंड प्रोडक्ट्स में क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। जब वो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त FDA ने फिर रिकमेंड किया कि आप इन फूड्स की प्रोडक्शन के लिए हैसप के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप करें। उसके बाद 1975 में पिल्सबरी ने इस पे मजीद वर्किंग की और उन्होंने दो मजीद प्रिंसिपल्स जो थे वो अपने बेसिक सिस्टम में ऐड किए जो आजकल के जो सिस्टम में प्रिंसिपल नंबर 3 और प्रिंसिपल नंबर 5 है वो उसके बाद 1975 में पिल्सबरी ने उसमें इंक्लूड की। उसके बाद जो एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर फूड डेवलप हुई और उसने 1987 में वर्किंग की और उन्होंने हैसप को जो सिस्टम था उसको डिफरेंट फूड चेन्स के लिए हैसप सिस्टम डिफाइन करना और उसकी गाइडलाइंस बनानी शुरू की और उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है इस इन सारी चीजों के ऊपर वर्किंग शुरू की और प्रैक्टिकली हैसप को डिफरेंट फूड चेन्स में या फूड सिस्टम्स के अंदर एंटर करना शुरू किया। और फिर 1997 में 7 जो प्रिंसिपल से जो आजकल मौजूद हैं वो डेवलप हुए, वो स्टैंडर्डाइज हुए, वो स्टैंडर्ड बने और सारी फूड कंपनीज ने फूड चेन्स ने उन 7 प्रिंसिपल्स को इंश्योर करना शुरू किया, अपने सिस्टम के अंदर इंकॉर्पोरेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो हमारे फूड कंटेमिनेशन थी या फूड बोर्न डिजीजेस थी वो ऐसा ऐसा रिड्यूस होना शुरू हो गई। हैसप इंप्लीमेंट जब हम करते हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? नंबर 1, लेजिस्लेशन कंप्लाइज के ये अब एक कानून की हैसियत बनती जा रही है कि आपने अपनी कंपनी के सर्टिफिकेशन करवानी होती है। जब आप हैसप को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए वो जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं वो इजी हो जाता है कि आप वो सर्टिफिकेशंस को की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके और वो सर्टिफिकेशंस आपकी कंपनी को मिल जाए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड वर्किंग एनवायरनमेंट बनाई है कि मैंने इस स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट डेवलप करनी है। तो जब आप इस तरह की चीज पे जाएंगे, इस तरह की वर्किंग करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्ट डेवलप होगी वो कंसिस्टेंट डेवलप होगी। ये नहीं होगा कि एक दिन किसी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आ जाए, नेक्स्ट डे क्वालिटी डिफरेंट हो। जैसे आप बहुत ही फूड चेन्स देखते हैं अपने इर्द गिर्द, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, किसी दिन आप उनका खाना खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, नेक्स्ट डे जाएंगे तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको लगती नहीं है। तो ये बेसिकली वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनके प्रोडक्ट में कि उनका जो सिस्टम है वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, वो कोई उस पे कोई एक यूनिफाइड पॉलिसी पे वो काम नहीं कर रहे। फिर जो तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंस आती है वो आती है जी इंक्रीज्ड प्रोडक्ट सेफ्टी। ऑब्वियसली जब आप हैसप इम्प्लीमेंट करेंगे इन कंप्लीट लेटर स्पिरिट में, उसमें प्रॉपर आप फूड सेफ्टी के असूलों का मद्देनजर रखेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट्स डेवलप होगी उसमें सेफ्टी जो माइक्रोबियल सेफ्टी या हर किस्म की सेफ्टी जो है वो इंश्योर होगी। क्योंकि हैसप जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जितने भी पॉसिबल हैजर्ड्स होंगे उन सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। उसके अलावा इजी एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, कि जो थर्ड पार्टी ने जो कंपनीज ने या कोई भी जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज है वो जब आपकी ऑडिटिंग करने आते हैं, आपके प्लांट की वर्किंग की मॉनिटरिंग करने आते हैं, तो उनके लिए जब आप एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे
तो वो इन इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, इस वो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को जल्दी एक्रीडिएशन की तरफ लेके जाएंगे। तो वो ये हैसअप का इस सेंस में भी आपको फायदा होता है। हैसअप की जब हम बात करते हैं और हैसअप से मिलते डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, हैसअप बेसिकली हमने कहा हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, और इन कंट्रोल पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, जो इन जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो जब हम उन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल हमारे लिए स्टैंडर्ड है, पर्टिकुलरली फूड की सेंस में जब हम बात करते हैं, तो वो ISO 22000 है। ISO की अगर हम बात करें तो ISO हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये ISO डेवलप हुए कि इन डिफरेंट जो प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स है वो इंटरनेशनली उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज हो। जो स्टैंडर्ड एक मुल्क में चले वही स्टैंडर्ड्स दूसरे मुल्क में चले, ये ना हो कि एक मुल्क में कुछ और स्टैंडर्ड चल रहे हैं, दूसरे में कुछ और स्टैंडर्ड हो और उनका आपस में इस चीज में क्लैशेस डेवलप हो रहे हो। तो ये जो ISO 22000 है, ISO की अगर आप बात करें तो आपको डिफरेंट टाइप्स के ISO मिलेंगे। ISO मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे या आपको मुख्तलिफ कंपनीज में एक जनरली नजर आ जाते हैं, ISO 9000, ISO 9001, 15000, 17000। इसी तरीके से डिफरेंट ISO सिस्टम डेवलप हुए हैं, मुख्तलिफ चीजें बनाने के, सुई बनाने से लेके कॉफी बनाने तक, चाय बनाने तक, इन सब चीजों के ISO डेवलप हुए हुए हैं। तो जो फूड से रिलेटेड है उसको हम कहते हैं ISO 22000, जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को के ऊपर काम करता है। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो ये ISO डेवलप हुआ, तो उस ISO में भी बेसिकली हैसप के प्रिंसिपल्स जो थे उनको इंक्लूड किया गया और उनकी बेस पे ही इसकी फर्दर डेवलपमेंट की गई। इसके अलावा जो कुछ स्टैंडर्ड्स जो फूड से रिलेटेड चलते हैं, जो पहले बहुत ज्यादा चलते थे, अब उनकी थोड़ी रिलेटिव वैल्यू जो है वो कम हो गई है, लेकिन स्टिल वो वैलिड है। वो है जी GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कि आप अच्छी प्रैक्टिसेस करें प्रोडक्शन, कोई भी चीज की प्रोडक्शन करते हुए। और उसके अलावा SSOP, सैनिटरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि आपने जो भी डेवलपमेंट करनी है और जो भी आपके ऑपरेशन के प्रोसीजर्स होंगे वो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए होंगे, आपने हाइजीन और क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना है अपने फार्म पे। तो जब आप ये दोनों चीजें इंश्योर करेंगे तो वो आपका जो उस वक्त सिस्टम आएगा वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, इसको हम TQM कहते हैं। आप कि वो उसमें उस इस केस में क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स की टोटल क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हैसप को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। मतलब हैसप के हम अभी कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री हमने देख लिया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, या जब भी आप किसी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में जॉब करेंगे या कोई आप प्लांट डेवलप कर रहे होंगे, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आपने कैसे हैसप को इम्प्लीमेंट कराना है, क्या उसकी वर्किंग किस तरीके से होगी, क्या उसका सारा स्ट्रक्चर और ये चीजें। तो हैसप की सर्टिफिकेशन लेने के लिए सबसे पहले जो डिफरेंट चीजें रिक्वायर्ड है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो और उसकी कमिटमेंट बहुत हो। क्योंकि हैसप की सर्टिफिकेशन लेने के लिए या हैसप को अपने प्लांट पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सिस चाहिए, आपको टाइम चाहिए, और आपको इस चीज का एक माइंड में आपके ये चीज होगा, अगर हैजर्ड्स एनालिसिस करते हुए मेरे कुछ सिस्टम, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स वो एक्सक्लूड कर देते हैं, जो वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं होती, तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी हो कि मैं उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकूं या उन चीजों को कंट्रोल कर सकूं। और सेकेंडली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हैसअप का जो कंसेप्ट है वो ऑल एम्प्लॉयज उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करें, वो उस कंसेप्ट को लेके चलें। क्योंकि ये बेसिकली हैसअप इम्प्लीमेंट करना या हैसअप के ऊपर वर्किंग करना जो है ये एक टीम वर्क है। इसमें आप सिंगली इस तरीके से नहीं कर सकते, सिंगल हैंडेडली के एक मैनेजर ने हैसअप का सिस्टम दिखा दिया, बाकी नीचे वाले लोग उस पर इम्प्लीमेंट ना करें। आपको हायर अथॉरिटीज को से लेके
नीचे एक सिंपल आम वर्कर तक आपको इस चीज के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब आपने हैसअप बनाना है या हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट डेवलप करना है, तो उसमें जो सबसे पहली जो चीज चाहिए वो हायर मैनेजमेंट क्या करती है कि वो एक हैसअप टीम डेवलप करती है, एक नोटिफिकेशन करेगी कि ये मेंबर जो है, ये लोग जो है वो हैसअप टीम का पार्ट होंगे। अब वो जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे, वो एक प्रोसेसिंग प्लांट में जितने भी एरियाज हैं उन सब एरिया से वो लिए जाते हैं। लाइक क्वालिटी एश्योरेंस के एक्सपर्ट होंगे उसमें, R&D सेक्शन के होंगे, मैनेजमेंट के लोग होंगे, प्रोडक्शन के लोग होंगे, इंजीनियरिंग और फूड साइंस के लोग होंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्रोसेसिंग आपकी फूड चेन में लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में या कोल्ड स्टोर से रिलेटेड है, तो वो सारे, वो केमिकल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, वो सारे लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव उस हैसअप टीम के अंदर इंक्लूड होंगे। और ये सारे लोग मिलके क्या करेंगे कि ये आपकी जितनी भी प्रोडक्शन लाइन है, जितनी भी आपकी वर्किंग है, उस सारी वर्किंग को रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटर रिव्यू करके वो क्या करेंगे कि वो सारा एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती हैं। और इसी वजह से हम हर एरिया का एक्सपर्ट डालेंगे ताकि वो हर स्टेप पे अपनी राय दे सके कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। जितने भी इनकमिंग मटेरियल्स हैं, इनकमिंग मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास बर्ड हो गए, वाटर हो गया, जितने भी नाइफ्स वगैरह आ रही हैं वो सारे इनकमिंग मटेरियल होगा, जितने केमिकल्स आ रहे हैं, जितने भी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो मीट के साथ कॉन्टेक्ट करेंगी या उस इन्वायरमेंट में आएंगी, वो सारे इनकमिंग मटेरियल्स हैं। तो वो जो हैसअप टीम होगी, वो जो एक्सपर्ट्स होंगे, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, उनको चेक करेंगे कि किस में प्रॉब्लम है। उसके बाद एक जो जनरलाइज हम बात करते हैं कि वो जो हैसअप टीम होगी वो क्या करेगी कि एक हैसअप स्टडी करेगी, जिसमें मतलब एक बेसिक स्टडी डेवलप करेगी जिसके अंदर वो अपने जो 7 प्रिंसिपल, आगे भी हम पढ़ेंगे, उन 7 प्रिंसिपल्स की बेस पे अपने सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करेगी, चीजों को जोड़ेगी। उसके बाद वो एक हैसअप प्लान डेवलप करेगी कि किस तरीके से हमने हैसअप को अपने प्लांट में इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे वो लोग कि वो ट्रेन करेंगे, ट्रेन एंड रीट्रेन, मल्टीपल ट्रेनिंग सेशन होते हैं उन लोगों के जो जिन लोगों ने उस हैसअप को इम्प्लीमेंट करना होता है। बेसिक टीम अपने नेक्स्ट टीम को इम्प्लीमेंट वो ट्रेन करेगी, वर्कर लेवल तक ट्रेनिंग होगी ताकि उनको पता होगा कि हमने इस हैसअप को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया जाएगा कि जो हमने जो कंसेप्ट माइंड में सोचे कि हम ये काम करेंगे, उनको इन रियलिटी आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आप उन प्लान्स को वेरीफाई करेंगे कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन का सोचा है कि आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, आया कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं हो रही। और उसके बाद फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे, अगर वेरिफिकेशन करते हुए आपको फील होता है कि इस प्लान में ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, या कोई भी विद पैसेज ऑफ टाइम आपको फील होता है कि ये इस तरीके से मेरे कोई हैजर्ड आ रहा है और मुझे ये स्टेप्स कंट्रोल करने हैं, तो फिर उस हिसाब से वो अपने प्लान को, अपने हैसअप प्लान को मॉडिफाई करते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट में वो चीज़ आ रही हो, तो ये भी इसके अंदर हमारे शामिल हो जाता है। तो ये बेसिकली जी 7 प्रिंसिपल हैं जो पिल्सबरी कंपनी ने और FDA ने बाद में उनको प्रूव किया, ये 7 प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं। और इन 7 प्रिंसिपल्स की बेस पे जितना भी जो मॉडर्न फूड सेफ्टी सिस्टम है वो वर्किंग कर रहा है। तो जी 7 प्रिंसिपल क्या, सबसे पहला स्टेप इसमें, 7 प्रिंसिपल में पहला जो प्रिंसिपल है या पहला जो इसमें स्टेप आता है वो क्या जी, कंडक्ट हैजर्ड एनालिसिस, कि आपने एक हैजर्ड एनालिसिस कंडक्ट करना है। सेकंड है जी आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स इन द प्रोसेस, उस हैजर्ड एनालिसिस करके आपने एक उसमें से जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है कि कहाँ कहाँ पे आप उन हैजर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज मैं पहले बताना भूल गया कि जब भी आपने हैसअप करना है, जो भी हैसअप टीम बनेगी वो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाएगी। फ्लो चार्ट ये बनाएगी कि हमारे प्लांट में ये वर्किंग का प्रोसीजर है, इस स्टेप से ये हमारी जो जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक एक उस प्रोडक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बताएंगे कि ये जो प्रोडक्ट बन रही है ये किस किस स्टेप से बन रही है।
वो सारे स्टेप्स, वो सारे इनकमिंग मटेरियल्स और जो उसकी वेस्ट वर्ड है, उन सारी चीजों को वो राइट डाउन करेगा कि ये हमारा एक प्रोसेस लेआउट है या एक हमारी फ्लो डायग्राम वर्किंग की ये है। अब जितने भी वो प्रोसेसेस या एक फ्लो डायग्राम में स्टेप्स आएंगे, उन सब स्टेप्स पे, हर स्टेप्स पे हम एक हैजर्ड एनालिसिस कंडक्ट करेंगे कि अच्छा इस स्टेप पे तो कोई हैजर्ड नहीं आ रहा, इस स्टेप पे तो हैजर्ड नहीं आ रहा। फिर जब हैजर्ड कोई आ रहा होगा तो उस हैजर्ड के हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स देखेंगे कि ये जो हैजर्ड आ रहा है इसको हम कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्रिटिकल लिमिट्स एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो हैजर्ड आ रहा है कि उसको हम उस क्रिटिकल उसकी कितनी क्रिटिकल लिमिट है, कहाँ तक हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कि क्या हमारी लिमिट क्या है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें या फोर्थ प्रिंसिपल है, एस्टेब्लिश अ सिस्टम टू मॉनिटर कंट्रोल ऑफ दी सीसीपीज। वो जो हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स सोचे हैं, ये बनाए हैं कि ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, उन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पे जो मॉनिटरिंग आपने करनी है हैजर्ड्स की, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करें। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश द करेक्टिव एक्शन प्लान। फिर आपने करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना है कि अगर आपके इस सिस्टम में जब हम ड्यूरिंग मॉनिटरिंग कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आपने करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना है कि उसको फिर उस प्रॉब्लम को आपने टैकल कैसे करना है। उसके बाद एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन कंसर्निंग ऑल प्रोसीजर्स, और जो लास्ट इसका प्रिंसिपल है वो है एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन, कि इन सारे कामों को वेरीफाई करने के लिए, आप डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपने वो प्रोसीजर्स डेवलप करने हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे हैजर्ड्स को, सारे सेवन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि वो सात प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे हम इसकी वर्किंग करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली एक मॉडल बनाएंगे कि क्या किस तरीके से जो वर्किंग इसकी होती है प्रोसेसिंग प्लांट में, क्या मॉडल इसमें काम करता है। तो जी, जब हम पहला स्टेप है जी कंडक्ट अ हैजर्ड एनालिसिस। अब हमने हैजर्ड एनालिसिस करना है, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक प्रोसेसिंग के जितने भी स्टेप्स है या प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमने बना लेनी है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेसिंग स्टेप में हम अगर एक जनरलाइज आपको एग्जाम्पल दूँ तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे जी, हमारे पास लाइव बर्ड आएंगे। वो लाइव बर्ड आके फार्म पे एंट्री हुई, और फार्म पे एंट्री होने के बाद जो नेक्स्ट उसका आएगा वो होगा कि उन्होंने लाइव बर्ड एरिया में खड़ा हो जाना। उसके बाद लाइव बर्ड एरिया के बाद उनकी अनलोडिंग होगी, और फिर हमने अनलोडिंग के बाद उनकी शैकलिंग करनी है। अब जो हमने हैजर्ड एनालिसिस करना है, वो हमने इन चारों स्टेप्स पे जो भी मैंने बोलने हैं, इन चारों स्टेप्स पे देखना है कि इनमें किस किस किस्म का हैजर्ड आ सकता है। जो हैजर्ड आ सकते हैं या फिर वो हमने राइट डाउन करने हैं कि अच्छा जी यहाँ पे ये हैजर्ड आ सकता है क्योंकि, और हमने यहाँ पे इंश्योर ये करना है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मीट है। हमने बर्ड को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि अल्टीमेटली जो हमारा मीट है उस मीट में किस किस्म का हैजर्ड आ सकता है। सपोज मैं कहता हूँ लाइव बर्ड्स की एग्जाम्पल लेके चले, तो हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि तीन तरह के हैजर्ड है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। तो अगर लाइव बर्ड की बात करें तो लाइव बर्ड में बायोलॉजिकल हैजर्ड होने के, लाइव बर्ड से मीट में बायोलॉजिकल हैजर्ड आने के चांसेस है। क्यों? बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में हम कहते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो वो बैक्टीरिया वहां पे मीट में आ सकते हैं। लाइव बर्ड से केमिकल हैजर्ड्स आने के चांसेस है कि कोई एंटीबायोटिक्स आपने बर्ड को दिए हैं और एंटीबायोटिक रेजिड्यू पीरियड आपने इंश्योर नहीं किया, तो वो केमिकल रेजिड्यू भी आपके मीट के अंदर आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारा हैजर्ड एनालिसिस होता है। तो इसमें हमारे पास तीन तरह के हैजर्ड्स होते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स की एग्जांपल दे दो, उसमें मैक्रोबायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे आ जाते हैं। मैक्रोबायोलॉजिकल लेवल में हमारे पास कौन से आएंगे जी, फ्लाइज हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, ये प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। जबकि माइक्रोबियल लेवल पे देखें तो बैक्टीरिया, पैथोजेनिक, और बैक्टीरिया के हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जी हमारे पास जो प्रॉब्लम काज कर सकते हैं वो साल्मोनेला एंट्राइटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कंपाइलोबैक्टर जेजनी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिन्स, क्लोस्ट्रीडियम बोचरिनम, स्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, और ईकोलाई की स्ट्रेन है जो डिजीज काज कर सकती हैं या हमारे लिए बायोलॉजिकल हैजर्ड के तौर पे फूड चेन में एंटर हो सकती हैं थ्रू बर्ड या किसी भी सिस्टम। इसी तरीके से जब हम वायरसेस की बात करते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड में, तो
तो वायरसेस में हमारे पास बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मीट में आगे जूनोटिक नेचर का ये वायरस है, तो मीट के थ्रू ये इंसानों तक आ सकता है। इसी तरीके से पैरासाइट्स है, डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स आ सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से मीट की हैंडलिंग ना करें। ठीक है, मोस्टली वैसे पोर्क के मीट के अंदर कहा जाता है, लेकिन चिकन के अंदर भी अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट ना करें तो आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो होते हैं जी केमिकल हैजर्ड्स। केमिकल हैजर्ड्स की बात करें तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस या कोई भी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो के ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है, इसमें क्लीनर्स, और इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने इस चीज को मॉनिटर करना है कि जो हमारे क्लीनर्स हैं या सैनिटाइजर्स हैं, क्योंकि सैनिटाइजर्स का हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं अपने प्लांट में, तो वो ये ना हो कि प्रोडक्ट के थ्रू वो कंज्यूमर तक चले जाए, कुछ पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एलर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड्स, कोई पेंट, लुब्रिकेंट, माइकोटॉक्सिन या किसी भी किस्म का कोई एंटीबायोटिक्स का रेजिड्यू जो है वो मीट सब्सटेंस के अंदर मौजूद ना हो। इसमें अब यहाँ पे एग्जांपल दी जाती है कि 1990s में एक बेल्जियम में आई थिंक एक प्रॉब्लम हुई थी कि वहां पे वो फैट से पोल्ट्री फीड कुछ कोई इंग्रेडिएंट वगैरह बना रहे थे, तो वो फैट का ड्रम जो वो उल्टा रहे थे, उल्टाते उल्टाते किसी वर्कर से गलती से उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड था कोई भी, डाइऑक्सिन समथिंग, तो वो डाइऑक्सिन का एक कंटेनर जो था 50 kg वाला वो उस फैट के अंदर चला गया। अब उनको पता नहीं चला कि ये प्रॉब्लम हुई है, वो फैट बनी, फैट से आगे ऑयल, और फिर वो सारा उसको पोल्ट्री फीड और एनिमल्स की फीड में वो शामिल किया गया, और उसके बाद जब वो फीड जो थी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो कहते हैं कि 25,000 फार्म्स अफेक्ट हुए। और 25,000 फार्म्स का मतलब है कि अगर 25,000 फार्म हुए हैं अफेक्ट, तो आप खुद ही देखेंगे कि कितने बर्ड के मीट के थ्रू वो कितने लोगों इंसानों तक गया होगा। तो उस वक्त फिर वो एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, और उन्होंने फिर वो पूरी अपनी कम्युनिटी में उस स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड के टेस्ट करने शुरू किए, और उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को वो अपने सिस्टम से उन्होंने उनको कॉल करना पड़ा, निकालना पड़ा। तो एक जस्ट 50 kg का केमिकल की मिस्टेक ने उस दर 25,000 फार्म्स और नेशनल एमरजेंसी तक डिक्लेयर करनी पड़ी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप हैजर्ड्स को कंट्रोल नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी फिजिकल हैजर्ड्स। और फिजिकल हैजर्ड्स की कैटेगरी में अगर हम देखें तो वो ऐसे कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कंज्यूमर को इंजर कर सकते हैं या उसके लिए हार्मफुल है, लाइक आपके मीट में कोई मीट या मीट प्रोडक्ट में कोई स्टोन्स, कोई वुड, फेदर्स, मेटल, ग्लास, बोल्ट, स्क्रूज, प्लास्टिक, कोई नाइफ ब्लेड्स, नीडल्स, हेयर्स, इस तरह की कोई चीज लीजिए, तो ये फिजिकल हैजर्ड है, ये कंज्यूमर को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो जो हमारा पहला स्टेप है उसमें ये है कि हमने हर स्टेप में अपने एक हैजर्ड एनालिसिस करना और देखना कि हमारे ये जो तीन तरह के हैजर्ड है इनमें से किसी कोई एक टाइप का या कोई एक हैजर्ड हमारे फूड चेन के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं जा सकता। तो सबसे पहला काम हमने हैजर्ड एनालिसिस करना है। अब हैजर्ड एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है ड्यूरिंग हैजर्ड एनालिसिस, क्योंकि हैजर्ड एनालिसिस जो है वो एक हैसअप प्लान का सबसे की एलिमेंट है, क्योंकि जो भी आपका हैसअप का प्लान होगा वो सारा हैजर्ड एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रहा होगा, उसके ऊपर सारा डिपेंडेंट होगा। तो इसलिए हैजर्ड एनालिसिस आपने बहुत क्रिटिकली करना है और इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि ये आपकी जो जितनी भी जो बिल्डिंग है आपकी हैसअप की वो सारी इस हैजर्ड एनालिसिस के ऊपर स्टैंड कर रही होगी। तो आपने जितना पॉसिबल हो सके अच्छे तरीके से हैजर्ड एनालिसिस कंडक्ट करना है, और इसमें आपने कंसिडरेशन इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आप जो भी हैजर्ड देखें उस हैजर्ड के बारे में देखें कि ये इस हैजर्ड के होने के चांसेस कितने हैं, आया कि बहुत ज्यादा चांसेस है या बहुत लो चांसेस है। लाइक माइक्रोबियल हैजर्ड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन केमिकल हैजर्ड जैसे मैंने आपको कहा कि वो गलती से एक बॉक्स मिक्स हो गया, इस तरह के आने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से फिर सिवेरिटी ऑफ देयर एडवर्स इफेक्ट, जो भी हैजर्ड है उस हैजर्ड की आपने सिवेरिटी देखनी है, उसके एडवर्स इफेक्ट देखने हैं कि आया कि ये हैजर्ड बहुत ज्यादा हार्मफुल है या बस मीडियोकर है, या इस प्रॉब्लम से आगे कोई मसला नहीं होगा, इन सारी चीजों को देखने हैं। उसके बाद आपने सर्वाइवल और मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कंसर्न, उनको देखना है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सिस्टम से अगर आगे चला जाए तो वो कितना नुकसान कर सकता है, उस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। और प्रोडक्शन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ टॉक्सिन्स, केमिकल्स और फिजिकल एजेंट्स इन अ फूड, कि आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि कोई ऐसा कोई माइक्रोब चले गए हैं या कोई भी इस तरह के सिस्टम कोई कोई मिक्सिंग हो गई है इंग्रेडिएंट्स की, कि वो टॉक्सिन या केमिकल जो है वो अगर माइक्रोब चले गए तो वो कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, या वो किस लेवल तक उसमें मिक्सिंग हो सकती है, एड अप हो सकती है। तो इन सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखना है जब आपने हैजर्ड एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स इन द प्रोसेस बाय यूजिंग अ डिसीजन ट्री। कि जब आपने हैजर्ड एनालिसिस कर लिया, आपको पता है कि ये हैजर्ड आ सकते हैं, तो फिर अब आपने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सोचना है कि ये जो मेरा हैजर्ड आ रहा है, ये इस हैजर्ड को मैं कहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, और वो कंट्रोल पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि यहाँ यहाँ पे ये हैजर्ड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहा कि मीट की सरफेस के ऊपर जब आप डिफेदरिंग करते हैं तो जो फेदर फिंगर्स हैं उन फेदर फिंगर से बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब ये क्या है कि या ये हैजर्ड है कि माइक्रोबियल हैजर्ड वहां से आ सकता है। इसी तरीके से हमने आगे बड़ा विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करते हुए अगर फीकल कंटेमिनेशन हो जाए तो उससे भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाती है मीट की। अब यहाँ से भी ये दो स्टेप है जहां से माइक्रोबियल बायोलॉजिकल हैजर्ड मीट के ऊपर आ गया। अब हमने आगे आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों जगह से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको हम कंट्रोल कहाँ पे कर सकते हैं। तो जब हम उसके ऊपर सोचते हैं तो वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हमारे पास क्या आता है, स्पिन चिलर। कि चिलर के अंदर जब आपका कारकस जाएगा तो वहां पे हमने क्लोरीन डाली होती है और टेम्परेचर लो होता है, तो वो क्लोरीन जो है वो उस कारकस की या उन बैक्टीरिया की वो उनको डेड कर देगा, या उनको कारकस को डीकंटेमिनेट कर देगा बैक्टीरिया से, तो यहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने जितने भी हैजर्ड्स, जितने अपने स्टेप्स में जितने भी हैजर्ड्स होंगे उनके इसी तरीके से डिसीजन ट्री बना के, एक वो भी डिसीजन ट्री कैसे बनाना है अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं। तो उन डिसीजन ट्रीज की बेस पे हमने कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने के, इस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे का, और बेसिकली कंट्रोल सीसीपी या क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स की हम डिफाइनेशन भी इसी तरीके से करते हैं कि सिस्टम या प्रोसीजर दैट कैन बी अप्लाई टू प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस हैजर्ड और रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और इसकी एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दिया, इसी तरीके से और एग्जांपल ये है कि आप रेडिएशन करते हैं तो उससे भी, या हीट करते हैं तो उससे पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या एक स्पेसिफिक पीएच लेवल पे पहुंचने से माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाती है। तो हैसप टीम जो होती है आपकी, वो ये पॉइंट्स एस्टेब्लिश करती है, और ये प्रोडक्ट सेफ्टी के अंदर सबसे क्रिटिकल चीजें ये होती हैं। ये बेसिकली डिसीजन ट्री है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे भी। अभी शायद पता नहीं आपको यहाँ से जनरलाइज एक प्रोसीजर समझ लगे कि ना। इसमें अब डिसीजन ट्री क्या है कि हमने कुछ क्वेश्चंस को फोकस करना होता है। पहला क्वेश्चन हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारा हैजर्ड आ रहा है इस हैजर्ड को कंट्रोल करने कुछ कंट्रोल मेजर्स भी यूज, क्या कंट्रोल मेजर्स यूज किए जा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए या नहीं। अगर तो आंसर यस है कि हाँ जी ये हैजर्ड कंट्रोल हो सकता है, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे। अदरवाइज फिर हम अगर कंट्रोल मेजर्स नहीं यूज किए जा सकते तो उसको फिर हम उसकी कंट्रोल करने का मैकेनिज्म लिखेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। क्वेश्चन नंबर टू फिर इसी तरीके से आता है, इज इट लाइकली कंटेमिनेशन ऑकर्स इन एक्सेस ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल, के क्या ये चांस है कि ये यहाँ पे जो इस यहाँ से हैजर्ड आना है उसमें जो कंटेमिनेशन होनी है या जो प्रॉब्लम होनी है वो एक्सेप्टेबल लेवल से ज्यादा है। अगर यस है तो एक्सेप्टेबल लेवल डिफाइन करें और उसको आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल से कम होनी है, हम कहते हैं कि जो कंटेमिनेशन है
वो एक्सेप्टेबल लेवल से कम है, तो फिर आप उसकी रीजन तलाश करेंगे एक्सेप्टेबल लेवल से कम क्यों हो रही है, और फिर नेक्स्ट हैजर्ड पे फोकस कर ले, क्योंकि यहाँ पे फिर वो हैजर्ड जो है वो इतना क्रिटिकल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आता है, इज दिस प्रोसेस स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रिवेंट एलिमिनेट ऑकरेंस, कि आपने जो जो भी हैजर्ड आ रहा है कोई प्रोसेस ऐसे डेवलप किया गया है जो उसकी ऑकरेंस को या उसको प्रिवेंट कर सके या रोक सके, अगर तो यस है तो वो उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बता रहा है आपने कि इसको ये कहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा, विल अ सबसिक्वेंट स्टेप एलिमिनेट और रिड्यूस द हैजर्ड, आपने इस चीज को मेंशन करना है कि जो भी आपका हैजर्ड आ रहा है क्या इस स्टेप पे इस लेवल पे या फ्यूचर में जो भी आपके स्टेप्स हैं उनमें उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर यस है तो फिर वो स्टेप आइडेंटिफाई कर देगी ये वहां पे जाके कंट्रोल हो गया या नहीं। उसके बाद 5वें, डस स्टेप प्रोवाइड पार्शियल कंट्रोल, और जो आपका स्टेप है वो उसको किसी हद तक रिलीफ दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये 5 क्वेश्चन होते हैं जो हम डिसीजन ट्री के तौर पे यूज करते हैं, हम देखते हैं कि आया कि हमारा जो भी हैजर्ड है वो कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, इसकी बेस पे हम अपनी एक डेवलप करते हैं, हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स डेवलप करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वो फैदर फैदर जब हम डीफैदरिंग करते हैं तो वहां से हमारे बायोलॉजिकल हैजर्ड आते तो हैं, लेकिन वो वाला जो हैजर्ड है वो आगे स्पिन चिलर में जाके हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो स्पिन जो डीफैदरिंग मशीन है वो फिर बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो आगे हम कंट्रोल उसको कर लेंगे। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है जी, एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स एसोसिएटेड विद ईच आइडेंटिफाइड सीसीबी, कि हमने अब जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनकी क्रिटिकल उसकी उनकी आगे फिर क्रिटिकल लिमिट्स डिफाइन करनी है कि इस पॉइंट पे हम इस लिमिट तक जाके इस हैजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर ये इस लिमिट तक ये हैजर्ड होगा तो एक्सेप्टेबल है, इस तरह के हम स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं। एक सिंपली अगर इसको डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल लिमिट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सेफ एंड अनसेफ लेवल एट ईच सीसीपी। फॉर एग्जांपल इसके हम एग्जांपल देते हैं कि हम कुकिंग टेम्परेचर हम कहते हैं कि अगर आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर कुकिंग करेंगे तो उससे वो प्रोडक्ट जो है वो सेफ हो जाएगी, मतलब ये क्रिटिकल लिमिट है। इसी तरीके से जब हम चिलिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कारकस का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है कि जो भी पीछे से बैक्टीरिया आ रहा है वो कारकस का टेम्परेचर रिड्यूस करने से उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी वो लिमिट क्या है जो हम बात करें कि क्रिटिकल लिमिट वो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ईच क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट विल हैव वन और मोर प्रिवेंटिव मेजर्स दैट मस्ट बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड टू अश्योर प्रिवेंशन एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ द हैजर्ड टू एक्सेप्टेबल लेवल। क्रिटिकल लिमिट्स आर यूजली ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स सच एज टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर एक्टिविटी, पीएच, सॉल्ट कंसेंट्रेशन और क्लोरीन लेवल, कि इनकी आपको कोई ना कोई क्वांटिफाइड वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको ऊपर हमने कहा कुकिंग टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड और चिलिंग टेम्परेचर 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए, इसी तरीके से क्लोरीन की कंसेंट्रेशन हम कहते हैं जी 20 PPM हो उस स्पिन चिलर में, तो ये इस तरीके से हम क्रिटिकल लिमिट्स जो है वो डिफाइन करते हैं अपने डिफरेंट स्टेप्स में। नेक्स्ट आता है जी, एस्टैब्लिश क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट और सिस्टम, कि आपने जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स बनाए हैं या लिमिट्स डिफाइन किए हैं आपने एक सिस्टम डेवलप करना है जिसके थ्रू आप उन चीज़ों को मॉनिटर कर सके कि आया कि उनके ऊपर काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। दिस इन्वॉल्व्स अ स्केजुअल टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच आइडेंटिफाइड सीसीपी एंड इट्स लिमिट्स, कि आपने सब डिफाइन करना है कि आप ये जो हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उन कंट्रोल पॉइंट्स को कितनी कितनी देर बाद चेक करेंगे, आया कि वो आप हर आधे घंटे बाद चेक करेंगे, घंटे बाद या दिन में एक बार, इस तरीके से आप एक उसके जो टेस्टिंग का शेड्यूल बनाएंगे कि हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे लिए स्पिन चिलर का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम फिर एक स्टैंडर्ड बनाएंगे कि हमने हर एक घंटे के बाद या हर आधे घंटे बाद स्पिन चिलर का टेम्परेचर को चेक करना है। द रिजल्ट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड केप्ट ऑन रिकॉर्ड फॉर प्री डिटरमिन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आपने उस जो भी आपने ये मॉनिटरिंग करनी है उसके रिकॉर्ड को आपने संभाल के रखना है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। फॉर मॉनिटरिंग
A parameter such as temperature, a chart recorder may be used to demonstrate that certain cooking temperature has been achieved and maintained for a specific period of time. इसके लिए कोशिश करें कि आप charts बना लें, या ये monitoring के लिए हमने tables बनाए होते हैं और उसकी base पे हम सारी अपनी working कर रहे होते हैं standards के मुताबिक। उसके बाद establish a corrective action plans। Next आपका क्या होता है, आपने एक corrective action plan develop करना है। corrective action plan आपने किस बेस पे डेवलप करना है, बेस्ड ऑन थी प्रीवियस प्रिंसिपल कि अगर आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जब आप मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करते हुए अगर उसमें कोई डिविएशन आ गई है, कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है वो लिमिट में नहीं है, वो लिमिट से आउट होता जा रहा है, तो उस केस में फिर आपने उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए आपने करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना है। फर्ज करें एक सिनेरियो है कि हमने कहा कि हमारा एक स्टैंडर्ड ये है कि आपने कारकस का जो टेम्परेचर है, स्पिन चिलर से जो कारकस बाहर निकलने हैं वो टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब ये क्या है, ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट है कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अब क्या होता है कि जब आपके कारकस चिलर से बाहर निकलते हैं तो आप उसकी जब मोनिटरिंग करते हो, पॉइंट नंबर 4 मॉनिटरिंग करते हो, और मॉनिटरिंग करने में आपको पता चलता है कि वो कारकस का टेम्परेचर तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आ रहा है। अब 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कारकस का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो अब आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे, आप कौन कौन से स्टेप्स करोगे जिससे वो कारकस का टेम्परेचर कंट्रोल होगा, तो ये बेसिकली वो करेक्टिव एक्शन प्लान होगा। जैसे मतलब अगर इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलें तो आप क्या करते हो कि अगर कारकस का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो इसकी डिफरेंट रीजंस होगी, ठीक है। अब आपने वो रीजंस आइडेंटिफाई करने के क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती है, नंबर 1 आप ज़्यादा बर्ड्स उस स्पिन चिलर में डाल रहे हो, नंबर 2 आपका जो इनकमिंग वाटर है उसका टेम्परेचर हाई है, आप लो वाटर टेम्परेचर लो नहीं आ रहा जिसकी वजह से कारकस वो स्पिन जो ड्रम है वो टैंक है उसका टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, ठीक है। नंबर 4 इसी तरीके से कि स्पिन चिलर में वाटर लेवल कम है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके रीजंस हो गए जिसकी वजह से वो टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, तो अब आपने इनको कंट्रोल करना है। अगर आपका इनकमिंग वाटर का टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, तो आप उसको फौरी तौर पे कोशिश करें कि रिड्यूस करें। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ बर्ड ज्यादा आ रहे हैं तो आप अपनी लाइन स्पीड कम कर देंगे, और एमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे कि अपने जो स्पिन चिलर में आप बर्फ ऐड करेंगे फौरी तौर पर, ताकि आपका जो उसका जो टेम्परेचर है वो फौरी तौर पर रिड्यूस हो और आपके ये जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो ये हम करेक्टिव एक्शन प्लान बनाएंगे और ये सारी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म पे में वहाँ पे लिखी होंगी कि अगर ये हैजर्ड आ जाए या ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपने ये स्टेप करके इस चीज़ को कंट्रोल करना है, इसका ये करेक्टिव एक्शन है। और अगर आपका यहाँ पे इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है कि अगर आपका हैजर्ड वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आपने अपने उन प्रोडक्ट्स को आपने अपने सिस्टम से कंडेम कर देना, उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको आगे नहीं जाने देना, या हो सके तो अपनी प्रोडक्शन लाइन को आप रोक दें, वो प्रोडक्शन लाइन वर्किंग रोक दें ताकि वो उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकें, वो प्रॉब्लम आगे ना जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो छठा पॉइंट इसमें आता है, सिक्स्थ प्रिंसिपल है, वो है जी एस्टैब्लिश इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप जितनी मर्जी अच्छाई कर लें, आप जितना मर्जी वर्किंग कर लें, जब तक आपकी वो वर्किंग या वो जो आपके सारा प्रोसीजर है वो इन रिटर्न फॉर्म में नहीं होगा, उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जस्ट ये ना आप करें कि जी मैं मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हैं, उस चीज़ को आपने उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, ठीक है। रिकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आपकी कोई भी बात या कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं होगी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या इंस्पेक्टर जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप ये सारे प्रोसेस फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। तो आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और वो जो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड आपकी हिस्ट्री, मॉनिटरिंग, डेविएशंस और करेक्टिव एक्शन सारी चीज़ों को शो कर रहा होगा कि आपके प्लान में वर्किंग किस तरीके से हो रही है, और ये सारी चीज़ों की फाइल जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा होता है, और उनकी रेगुलरली हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, इवन मंथली बेसिस पे ऑडिटिंग टीम आती है जो आगे इस सारे रिकॉर्ड को चेक करती है कि आया कि ये जो कंपनी है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट्स होती हैं,
ये जो है सब टीम जो है वो उनको वर्किंग कर रही होती जिन पे, और वो रिकॉर्ड रख रही होती है उसमें। नंबर वन जी सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर डेवलपिंग दी हैसप प्लान, उसके अलावा रिकॉर्ड जनरेटेड बाय हैसप सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, और चौथी बार पास आती है रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लॉयज ट्रेनिंग प्रोग्राम के, जो आप इम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास इसमें रिकॉर्ड होते हैं, ये चार टाइप्स के, और ये हमने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। लास्ट जो हमारे पास सेवंथ प्रिंसिपल है या सेवंथ पॉइंट आता है वो है कि आपने इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन, आपने इंश्योर करना है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी आपने एक एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया है कि हम इस तरीके से हैसअप हो, ये हैज़र्ड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, और इनको इस तरीके से हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपने उस चीज़ को चेक भी करने के आया कि जिस तरीके से आपने प्रॉमिस किया था वो आप उस तरीके से उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर भी पा रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को आपने देखना है। इसमें डिफरेंट टाइप के आप टेस्ट कर सकते हैं, एनालिटिकल टेस्ट है, माइक्रोबियल टेस्ट है, आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ऑन साइड इंस्पेक्शन या डिफरेंट टाइप के आप ऑडिट वगैरह करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन हाउस वेरीफिकेशन भी कर सकते हैं, आप आउटसाइड से ऑडिटर भी मंगा सकते हैं जो इन प्रोसेस को इंस्पेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे ये हो रहा है या नहीं। एक एग्जांपल ये है कि आपने अब एक स्टैंडर्ड है कि कोई भी किसी भी किस्म की कोई मेटल जो है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में नहीं जानी चाहिए। अब इसके लिए आप जो भी सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप उनमें इवन सम केसेस में जी मेटल डिटेक्टर अप्लाई किए होते हैं। अब सपोज आपके प्लांट में मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, उस मेटल डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना है कि फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कोई मेटल जा रही है या नहीं, ठीक है। अब आपने ये इंश्योर करना है कि आया कि वो मेटल डिटेक्टर भी प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे कि जो उस मेटल डिटेक्टर में से एक स्पेसिफिक जो मेटल जो होंगी, आपको पता होगा कि आप खुद वो मेटल्स उन प्रोडक्ट्स के अंदर रख के तो उस मशीन में से गुजारेंगे। अगर तो वो मशीन उन प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दे, बाहर निकाल दे, तो इसका मतलब है कि वो मशीन प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रही है और चीज़ों को निकाल दी जा रही है सिस्टम से। तो ये हमारे पास सात प्रिंसिपल हैं जिनकी बेस पे हम हैसब एनालिसिस जो है, हैसब जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और वर्किंग कर रहे होते हैं। और इन एक्चुअल जब हम हैसब की वर्किंग के ऊपर आते हैं तो वो जस्ट ये सात प्रिंसिपल ही नहीं होती, उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसका एक जो प्रोसेस है या जो स्टेप है जो इसमें हमारे पास आते हैं वो किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है वो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। कि सबसे पहले आपने एक हैसब टीम असेंबल करनी है, उसके बाद एक प्रोडक्ट डिस्क्राइब करनी है जिसके भी आप हैसब बना रहे हैं, आप रॉ मीट का बना रहे हैं, आप कुक्ड मीट का बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। फिर उसकी आइडेंटिफाई करना है इंटेंडेड यूज, कि जो भी आप प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का आप हैसब बना रहे हैं उसका यूज क्या है, आया कि वो इंडस्ट्री में जानी है या कंज्यूमर में कोई पास जानी है, वो फ्रोजन फार्म में जानी है, चिल्ड फार्म में जानी है, उन सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। उसके बाद आपने एक फ्लो डायग्राम बनानी है कि ये जो मेरे सारे प्रोसेस है, ये इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिकली भी देखना है कि उनकी ऑन साइट कंफर्मेशन भी करनी है कि जो आपने थ्योरेटिकली एक फ्लो डायग्राम बनाई है आया कि वो ठीक है या उसमें कोई और चीजें भी एड अप हो रही हैं। उसके बाद आपने फिर आपका वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि लिस्ट ऑल पोटेंशियल हैजर्ड एंड कंडक्ट हैजर्ड एनालिसिस, कि कौन कौन से हैजर्ड इसमें आ सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स डिटरमिन करने हैं, क्रिटिकल लिमिट्स इस्टेब्लिश करनी है। उसके बाद आपने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना है हर सीसी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए, फिर आपने करेक्टिव एक्शन डेवलप करने हैं, और आपने फिर वेरिफिकेशन करना है कि आपकी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, और उसके अलावा आपने डॉक्यूमेंटेशन और इसका इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखना है। तो ये बुक से जहाँ से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको लेक्चर के अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। किसी भी क्वेश्चन किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक हैसब, एक जो रॉ जिगर का प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें हम हैसब को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच।